तो आज हम लोग क्लास 10 का एक क्या कहते हैं आप लोगों का बोला हुआ एक टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, स्पेशली बनाया गया है मेरे कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होता है, ठीक है। तो इन जनरल हम आपको ऑक्सीडेशन स्टेट है नहीं सिलेबस में, आपको डीपली जाना नहीं है, इन शॉर्ट हम सिंपली आपको समझाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है एक नंबर कह सकते हैं आप, ठीक है, इट इज रेफर टू एज अ नंबर। एक नंबर है जो शो करता है डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन एन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट में कितना ऑक्सीडेशन या कितना रिडक्शन हुआ है वो जो नंबर शो कर रहा है उस नंबर को हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट या ऑक्सीडेशन नंबर भी कभी कभी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मीनिंग क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल एक हम लिए हैं कॉपर ऑक्साइड, तो अब इसको अगर आप देखें तो कॉपर ऑक्साइड कैसे फॉर्म हुआ होगा, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होने के लिए कॉपर ने क्या किया होगा, दो इलेक्ट्रॉन्स लूज किया होगा और ऑक्सीजन ने दो इलेक्ट्रॉन्स, यही दो इलेक्ट्रॉन्स जो है उन्होंने गेन किया, यही ना हुआ। कॉपर ऑक्साइड जो है कॉपर ने आप दो इलेक्ट्रॉन्स लूज किया और ऑक्सीजन ने दो इलेक्ट्रॉन्स गेन किया, तो यहां पे आपका कॉपर का दो इलेक्ट्रॉन्स क्या किया, लूज किया, तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हमेशा प्लस वैल्यू से शो होता है। दो इलेक्ट्रॉन्स लूज किया तो कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया वो हो गया +2, और ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन हो गया -2। बस यही सिंपली ऑक्सीडेशन स्टेट है। जो भी एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा वो उसका क्या हो जाएगा, उतना हो जाएगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो हो जाएगा उसका, वो भी हो जाएगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ही, बस नेगेटिव होगा, इस केस में पॉजिटिव होगा उस केस में नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अगर होल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन स्टेट का बात करें तो कोई भी एक स्टेबल अगर कंपाउंड है, कोई भी एक स्टेबल कंपाउंड है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, ठीक है। जैसे अगर हम इसी कंपाउंड का बात करें तो इन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 -2 = 0, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, 0 है, ठीक है। जो स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स 0 होते हैं, ठीक है। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो कुछ एलिमेंट्स के फिक्स होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन का -2 ही होगा, हर एक जगह कहीं पे भी आप ऑक्सीजन ले लीजिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है ना। जैसे लेकिन एक जगह पे एक्सेप्शन है, तो जो जो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को, मतलब जो जिनका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है, वो आते हैं आपके मेटल्स में, जो आपका फर्स्ट क्या कहते हैं ग्रुप है मेटल्स का पीरियोडिक टेबल में, जिसमें सोडियम है पोटेशियम है, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा जो है +1 होता है, ठीक है। वो हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं उसके अलावा नहीं। जैसे कॉपर है तो कॉपर दो, कभी आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी हो सकता है ना, कभी +2 भी हो सकता है। आयरन है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कभी +2 भी हो सकता है, कभी +3 भी हो सकता है ना। पर जो आपके फर्स्ट ग्रुप में जो मेटल्स हैं वो हमेशा जो है एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +1 होता है। उसी तरह जो अगर हम लास्ट ग्रुप जो आपका हेलोजन ग्रुप्स हैं जिसमें फ्लोरीन क्लोरीन आयोडीन आते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, वो लोग भी एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और उनका हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। तो सिंपली यही है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसका एक, इससे हम क्या कहते हैं, आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो रेडॉक्स रिएक्शन हमने पढ़ा है उसके बारे में आप आसानी से बता कर सकते हैं किसमें ऑक्सीडेशन हुआ किसमें रिडक्शन हुआ, इस रेडॉक्स रिएक्शन इससे, इस ऑक्सीडेशन स्टेट से आप पता कर सकते हैं। तो एक दो एग्जांपल उसका देख लेते हैं। तो जो हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट अभी पढ़े, ठीक है, तो देखिए वो जो ऑक्सीडेशन स्टेट आप पढ़े, ऑक्सीडेशन स्टेट अब बोलिएगा उसका यूज किया है, तो कॉम्प्लिकेटेड जो रेडॉक्स रिएक्शन है उनको समझने के लिए हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स का यूज करते हैं, ठीक है। जो रेडॉक्स रिएक्शन एकदम कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जैसे कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें आपको पता लगेगा
कौन सा रिड्यूस हुआ, कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ, कैसे पता लगेगा इसके लिए, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे, पहले जो सिंपल वाला हम लोग के सिलेबस में वो पहला क्वेश्चन नंबर वन, उसको देखिए। आपके पास है CuSO4 प्लस ZN, ZnSO4 प्लस Cu। इसमें तो आपको साफ पता लग रहा है कि ZN को ऑक्सीजन मिला इसलिए वो ऑक्सीडाइज हो गया, Cu जो है से ऑक्सीजन निकला तो वो रिड्यूस हो गया, तो रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। तो अगर हम इसको ऑक्सीडेशन स्टेट के रूप में समझना चाहें तो कैसे समझ में आएगा? तो यहां पे अगर हम देखें तो जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का जो स्टेट होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वो हमेशा क्या होता है, -2 होता है। तो और कॉपर जो है यहाँ पे +2 है, क्योंकि SO4 क्या है, फिर दो माइनस होता है, दो इलेक्ट्रॉन्स SO4 को कॉपर ने प्रोवाइड किया है, तो उस पर S2 है, +2 है, तो क्योंकि ये कंपाउंड स्टेबल है, जिसको आप X मान लीजिए। अगर हम +2 + X -2 इज इक्वल टू 0 करें, सॉरी यहाँ पे -2 × 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है, इज इक्वल टू 0 करें तो यहाँ पे हो गया 8 + 2 - 8 8x - 6 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 + 6, है ना, +6 जो है वो यहाँ पे आ जाता है सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ये आया। अगर जिंक का बात करें तो किसी से अभी कंबाइन ही नहीं किया है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 है, ठीक है। तो फिर अब क्या हुआ, ये कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट था 0, सॉरी +2 से ये कॉपर क्या हो गया, 0 हो गया, +2 से 0 हो गया। जब तो जब भी क्या होता है कि घटता है ऑक्सीडेशन स्टेट, आप कह सकते हैं, है ना, 2 था तो 0 हुआ, माइनस में चले जाए तो घटना ही हुआ। घटेगा जब ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। जब ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगा तो रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन होगा। वैसे अगर हम देखें तो देखिए ये ZN 0 था, अब यहां ZN +2 हो गया, तो ZN में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, हुआ ना। लेकिन बाकी इसके अलावा अगर हम किसी और का बात करें, ऑक्सीजन -2 था तो -2 है ही, सल्फर अगर यहाँ +6 है तो यहाँ पे भी +6 ही है। अब ऐसे ही निकालिएगा तो सेम चीज होगा, यहाँ पे भी ये +2 है, ये -2 है, तो यहाँ एक्स है, तो एक्स फिर 6 ही आएगा इस केस में भी, है ना, सल्फर भी +6 ही रह गया। तो और किसी में कुछ और नहीं हुआ, ना ऑक्सीडेशन हुआ ना ही रिडक्शन हुआ, है ना। तो ये आपका सिंपल रिएक्शन था जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट आपके सिलेबस में नहीं है। तो नीचे वाला जो रिएक्शन है ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें आप बताइए किसमें ऑक्सीडेशन हुआ किसमें रिडक्शन हुआ, वीडियो पॉज करके अपने से पहले बनाइए, ठीक है, तब हम आपको बताते हैं। अब ठीक है, आप बना लिए तो ठीक है, नहीं बनाए तो देखते हैं, चलिए, ठीक है। तो ये क्या है, कॉपर सल्फेट है प्लस HNO3 गिव्स CuSO4 NO, और कॉपर सल्फाइड था, सॉरी ये कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे NO है ना, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और वाटर है, ठीक है, ये नाइट्रिक एसिड है। तो ये है हमारे पास, अब इसमें बताना है किसमें ऑक्सीडेशन हुआ किसमें रिडक्शन हुआ। तो देखिए आप इसको सिंपली देख के तो नहीं बता सकते हैं, आप नहीं तो आप बताइएगा, यहाँ तो रिडक्शन हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ, है ना। चलिए पता करते हैं। तो देखिए सल्फेट जो है, मतलब कि बहुत सारा वैलेंसी शो करता है, 2, 4, 6, है ना, पता होगा आपको, इतनी तरह का ये वैलेंसी शो करता है। तो अगर हम इसका बात करें तो सल्फर का, तो जो सल्फर है यहाँ, कॉपर दो तरह का वैलेंसी शो करता है, 1 और 2। तो दोनों जब यहाँ पे कंपाउंड बनाए हैं कॉपर सल्फाइड, तो CuS जो बना है दोनों का जो कौन सा वैलेंसी मैच कर रहा है, 2-2 वाला, है ना। तो यहाँ पे जो आपका कॉपर है वो +2 ऑक्सीडेशन में, सल्फर सिंपली जो है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाएगा। इसके बाद अगर हम हाइड्रोजन का बात करें तो हाइड्रोजन भी +1 में रहता है, क्योंकि वो उस ग्रुप में, उस ग्रुप का हम बता रहे थे, ऑक्सीजन -2 में ही रहेगा, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ इसको एक्स लेंगे तो +1 + X -2 × 3 = 0, 3, 6 हो गया,
सिक्स हुआ, वन हुआ, बचा क्या, एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू प्लस फाइव। नाइट्रोजन यहाँ पे प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक। अब इसको देखें अगर हम कॉपर को, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए ये पिछला वाला रिएक्शन वाला ही कॉपर सल्फेट है, तो यहाँ पे हमारे पास हमको पहले से ही पता है ये प्लस टू होगा, ये प्लस सिक्स होगा, ये माइनस टू होगा, है ना। इसके बाद NO का बात करें तो ये आपका माइनस टू है, तो यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजन का बात करें तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, NO का जीरो होगा, तो मतलब ये अगर x ले लें, x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू प्लस टू, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये प्लस वन है, ये तो माइनस टू है ही, तो अब जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है ना, ये है आपका प्लस टू, सिर्फ वही ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हुआ, सिंपली बात, सिंपल यही बात है ना, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ, जो सेम रह गया उसमें ना ऑक्सीडेशन हुआ ना ही रिडक्शन हुआ। तो देखिए कॉपर था प्लस टू, यहां पे भी कॉपर है प्लस टू, है ना, कॉपर था प्लस टू, यहां पे भी कॉपर है प्लस टू, इन दोनों ना कॉपर में किसी भी तरह का ना ऑक्सीडेशन हुआ है ना ही रिडक्शन हुआ। सल्फर का अगर हम बात करें तो सल्फर यहां पे है माइनस टू, यहां पे है सल्फर प्लस सिक्स, सल्फर यहां माइनस टू था, यहां प्लस सिक्स था, बढ़ गया है कितना, एट टाइम्स, है ना, एट टाइम्स जो है आपका वो बढ़ गया, मतलब एट टाइम्स मतलब एट ऐड हो गया है उसमें, प्लस एट हो गया है, माइनस टू में आप प्लस एट कर रहे हैं तभी आपके पास प्लस सिक्स आ रहा है, तो यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। तो हम यहां पे जो सोच रहे थे कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो लेकिन इसमें किस एटम का ऑक्सीडेशन हुआ, किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ, तो वो सल्फर है जिसका ऑक्सीडेशन यहाँ पे आपको हुआ है। और उसके बाद अगर हम, ये तो वो ही है, इसके बाद अगर हम इसका बात करें यहाँ पे, तो हाइड्रोजन तो वन था, वन ही रह गया, ऑक्सीजन माइनस टू था, हर जगह माइनस टू ही है, माइनस टू ही रहता है, तो ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है। अब है हमारे पास बीच में नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को देखिए, ठीक है, नाइट्रोजन क्या था, प्लस फाइव था, यहां पे क्या हो गया, प्लस टू हो गया, घट गया इसमें, तो ये ऑक्सीडेशन था, तो ये क्या हो गया, ये रिडक्शन है, तो देखिए ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, यही है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं था, ठीक है, आप लोगों ने बोला तो मैंने पढ़ा दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो टेंशन नहीं लेना है, क्लास 11 12 में फिर इसको पढ़ना है एकदम डीप में, ठीक है, थैंक यू।